नमस्कार, आप देख रहे हैं दरभंगा का सर्वश्रेष्ठ न्यूज नेटवर्क दरभंगा समाचार। इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में आर्मी के जो छात्र हैं उनके द्वारा लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है, और उसके साथ साथ कई जगहों पे आपने देखा होगा कई ट्रेनों को जला दिया। और उसके बाद छपरा की अगर हम बात करें तो वहाँ स्टेशन को जला दिया गया। सासाराम की अगर हम बात करें तो वहाँ टोल प्लाजा को फूंक दिया गया, यानी आग के हवाले कर दिया गया। कई ऐसे मामले हैं, कई जगह छात्र सड़क पर उतरकर टायर जलाकर घंटों भर यातायात को बाधित करते हैं, जिसमें काफ़ी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। जिसको लेकर के आज CPIM के द्वारा भारत बंद का आह्वान किया गया, जिसमें आज बिहार बंद में कई पार्टियों ने अपना समर्थन दिया है। हम लोग का कार्यक्रम है, केंद्र सरकार की जो रोजगार के प्रति जो नीति आई है, नई नीति आई है, उसके खिलाफ खास करके पिछले दिनों लगातार सरकारी सार्वजनिक स्थानों को बेचे जाने के बाद रोजगार में कटौती हुआ है। सेना में नए नए नौनिहाल नौजवान मेहनत करके दौड़ धूप करके अपनी नौकरी की गारंटी करते थे, वैसे नौजवानों पर एक करारा प्रहार किया गया है। मात्र 4 साल में उनकी नौकरी चली जाएगी। आपको मैं बता दूं, भरम पैदा किया जा रहा है, नौकरी के बाद यह पैसा दिया जाएगा, इतना पैसा दिया जाएगा। उसका स्लैब आया है, पहले वर्ष 30,000 रुपया, दूसरे वर्ष 32,000 रुपया, तीसरे वर्ष 34,000 रुपया, चौथे वर्ष 36,000 रुपया, प्रत्येक वर्ष में प्रत्येक महीने में 9,000 रुपया PF के नाम पर काटे जाएंगे, जो 5,44,000 होते हैं उसमें केंद्र सरकार 5,44,000 ऐड करेगा, 11,00,000 रुपया पेमेंट मिलेगा। 4 साल के नौकरी के बाद आप जानते हैं कि उसको 11,00,000 रुपया मिलने के बाद क्या कर सकता है। आज के महंगाई के दौर में हमारा आप जानते हैं 11,00,000 रुपया में एक अच्छे किराना का दुकान नहीं खोला जा सकता है। इसलिए छात्र आज सड़कों पर हैं, हम अपने आंदोलन को और तेज करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। इसी मांग को लेकर आज के बिहार बंद का आयोजन छात्र युवा संगठनों की ओर से किया गया है, जिसमें हम लोग विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, मिथिला विश्वविद्यालय को बंद करा करके अभी आयकर चौराहा पर हैं। आयकर चौक हैं, जब तक रहेंगे तब तक रहेंगे। पुलिस की कार्रवाई देखते हैं क्या करते हैं, कितनी मदद करेंगे।